इवन संजू का ट्रेलर आपने देखा, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे, और रणवीर का जो संजय दत्त की तरह, मतलब मैंने जब पहली बार ट्रेलर देखा तो मैंने उसको 3 बार और देखा, और आई थिंक ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स आर इंडस्ट्री हैज. I love the trailer. I love, मैंने मूवी नहीं देखी है अभी तक, बट आई लव द ट्रेलर. आई लव रणबीर कपूर एंड आई थिंक संजय दत्त से मुझे उतनी अटैचमेंट नहीं थी अब तक जितनी अब इस ट्रेलर के बाद हुई है. जब मैंने संजू का ट्रेलर देखा और पहली बार वो जेल का दरवाज़ा खुला और पहला कदम रणबीर कपूर ने बाहर निकाला लेकिन संजय दत्त, मुझे लगा कि वो संजय दत्त का ही कदम है, संजय दत्त का ही स्टांस है, और वो जो लुक उन्होंने लिया, उसकी आँखों में जो चमक और आँखों में जो एक भावुकता जो हमेशा संजय दत्त की आँखों में रहती है, वो चीज़ें एसेंस उन्होंने पकड़ लिया है. मुझे बहुत पसंद आया, और हर बार ही हम सोचते हैं कि रणबीर इतने अच्छे एक्टर हैं, वो उससे थोड़ा और ज़्यादा कुछ अच्छा करते हैं अपनी फिल्मों में. तो आई रियली होप दैट दिस फिल्म वर्क्स एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. डिफरेंस नहीं कर सकते रणबीर और संजय में इस मूवी को देखने के बाद? हाँ, मतलब ऐसे गूज़बम्स आ जाते हैं उनको देख के. मैं जब भी शूट पे जाती हूँ, एक बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है और सिर्फ फेस है रणबीर कपूर का, और जब मैंने पहली बार देखा था तो मुझे ऐसा लगा था कि ये संजू बाबा है या फिर ये रणबीर कपूर है. तो इट इज़ ब्रिलियंट, और बहुत सारी शुभकामनाएं इस फिल्म को. आई हैव नेवर वॉच्ड सच अ ब्रेथ टेकिंगली ब्यूटिफुल पर्सोनिफिकेशन ऑफ अ रोल लाइक दैट एंड व्हाट ही इज डन. सो दिस इज व्हाट वी कॉल सेटिंग स्टैंडर्ड, सेटिंग बार्स, एंड एवरीथिंग एल्स लुक्स मीडियोकर. यू नो, दिस इज व्हाट आई वांट टू से. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द मूवी बिकॉज आई थिंक द परफॉर्मेंस इज गोइंग टू बी समथिंग रियली वर्थ वॉचिंग. सो आई रियली होप द मूवी डज वेल. आई थिंक जब मैंने पहला प्रोमो देखा, मुझे ऐसा लगा कि संजय दत्त ही है, मतलब इतने रिसेंबल एंड बहुत बढ़िया. आई मीन आई डोंट थिंक सो कोई मार्क दिया जा सकता है, बहुत बढ़िया. मैं वही देवीना से बोला था कि उफ ये कल कब आएगा, क्योंकि रणबीर ने उन्होंने बहुत कमाल का काम किया है. एंड अगेन राजू हिरानी, उनका तो मैं हम सभी बहुत बड़े फ़ैन हैं, मैं तो बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ, और उनका आई एम श्योर कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो हम लोग देख रहे होंगे कल. आई थिंक रणबीर इज़ लुकिंग अमेजिंग. कितने जगहों पर तो मतलब ही लुक्स यू नो संजय दत्त ओनली, इट डजंट फील लाइक दैट ही इज रणबीर एट ऑल. सो आई थिंक दिस फिल्म इज गोना बी अ ब्लॉकबस्टर. संजू का मतलब संजू जो मूवी है ना, मुझे लगता है तबाही मचा देगी. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि वो जल्दी फिल्म रिलीज हो जाए, और वो शो मैं शायद मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो ट्राई करूंगा कि मैं देख लूँ, पर मुझे लगता है मैं देख नहीं पाऊँगा बिकॉज आई एम टू नाइट यहाँ पर लेट तक हूँ, तो शायद लेट उठूंगा और फिर उसके बाद. लेकिन वो कल मूवी देखी जाएगी, आई वॉन्ट टू सी दैट फिल्म. आपको लगता है जिस तरह से रणबीर ने पूरे इसमें ऐड किया है, उनके लिए तरह के टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है ये उनके लाइफ का? जरूर जरूर, आई मीन आई होप सो. यू नो ही इज सो टैलेंटेड, इतना अच्छा काम करते हैं वो, और जब कोई अच्छा काम करता है उसकी सराहना होती है तो आपको अच्छा लगता है. तो आई रियली होप दैट इट वर्क्स फॉर हिम. अगेन आई से ही इज अ फैंटास्टिक एक्टर, उनका पहले भी काम बहुत अच्छा रहा है और पूरी तरह से कैरेक्टर में घुस गए हैं, एंड इट इज शोइंग, गुड वर्क इज शोइंग. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच इट. बहुत अच्छा है, आई एम वेटिंग फॉर इट टू रिलीज सो आई कैन गो एंड वॉच इट टुमारो. रणबीर को आप कितना मार्क्स देंगे जिस तरह से उन्होंने? 10/10. ऑफ कोर्स आई इज फैंटास्टिक, लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच द फिल्म. बस मैं बोल रहा हूँ कल शूटिंग कैंसिल करो, मूवी देखने चलते हैं. फैक्ट दैट दे हैव मेड अ फिल्म ऑन संजय दत्त वाइल ही इज देयर वर्किंग, एंड रणबीर कपूर इज आई थिंक द बेस्ट एक्टर, इज अ फेलो लिब्रन, आई लव हिम. देखिए रणबीर कपूर मुझे हमेशा ही बहुत 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 कमाल के एक्टर लगते हैं. वो जिस भी रोल में जाते हैं वो उसमें घुस के एकदम, जैसे होते हैं ना, एक मेथड एक्टर की बात कर रही हूँ. एक मेथड फॉलो करना और किसी की तरह बन जाना और वो इंसान बन जाना इज समथिंग दैट एक्टर्स कैन ओनली dream to play. So I guess it's going to be a great film and we're going for it tomorrow. So yeah. Yeah, I think he's one of the very few artists our country has right now, and I'm so happy that you know he's the one who's doing Sanju, and I'm sure that he'll do justice to the film and he'll be great in the film. ये film रणबीर कपूर के करियर के लिए भी बहुत अच्छी होने वाली है और संजय दत्त के करियर के लिए. वही तो उनमें कला है, और जिससे हम सब लोग जितने यंगस्टर्स हैं, जितने एक्टर्स हैं, अपकमिंग एक्टर्स हैं, हम लोग हमें सीखने को मिलता है. यू नो वो जो ट्रांजिशन 20 से 40 तक की एज, उस पहले तो उस कैरेक्टर को समझना, उस कैरेक्टर को पकड़ना, उस पर्सनैलिटी को समझना, फिर उसके बाद में अपनी बॉडी को उसके अकॉर्डिंगली मोल्ड करना, आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट. अगर विवियन को देखना होगा तो किन कारणों की वजह से वो फिल्म देखने से जरूर जाएंगे? रणबीर कपूर मोस्ट इम्पॉर्टेंट. Tonight is an exciting night, and tonight is a night for my friend and my brother Sanjay Dutt. Ek bhi sawal pucha to mere aadmi pakad lenge tumko.